अस्सलाम वालेकुम, करीमे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं गोश्त का सालन और तंदूर की रोटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तंदूर की रोटी का आटा गूंद लेंगे। तो आटे के लिए हमारे को चाहिए मैदा। ये हमने 5 कप मैदा ले लिए। आपको अगर कम लेना हो तो आप कम भी ले सकते हैं। हमने 5 कप मैदा ले लिए, कम करीब करीब 1 किलो के बराबर हो गया ये। उसके लिए हमारे को लगेगा खाने का सोडा, मीठा सोडा जो रहता ना, तो वो आधा चम्मच हमने ले लिए। तो ये आधा चम्मच हम इसके अंदर मीठा सोडा डाल देंगे। और ये नमक, तो नमक आप आपके स्वाद अनुसार ले। हमने 1.5 चम्मच नमक ले लिए, ये 1.5 चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। और 1 चम्मच भर के हमने पीसी हुई शक्कर ले ली। और ये 2 से 3 चम्मच अपना जो खाने का तेल है, तो वो 2 से 3 चम्मच हम खाने का ये तेल भी डाल देंगे इसके अंदर। और ये 3 से 4 चम्मच हम दही डाल देंगे इसके अंदर। और ये सब चीजें जो मैंने बताई, तो ये सब डालना जरूरी है। तो ये सब चीजें हम मिलाएंगे तो इससे हमारी रोटी जो तंदूर की रोटी है तो एकदम सॉफ्ट होंगी। तो ठंडी होने के बाद भी आप खा सकते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट रहती ठंडी होने के बाद भी। बाहर से हम जो तंदूर की रोटी लाते तो बाद में ठंडी होने के बाद कैसी हो जाती है, वो एकदम कड़क हो जाती, खाई नहीं जाती, रबड़ के जैसी हो जाती। तो ये दही डालने की वजह से हमारी रोटी एकदम सॉफ्ट होंगी, दही और शक्कर। अब ये सब चीज़ें डालना ज़रूरी है, इसमें कुछ ऑप्शनल नहीं है। तो इसको कुछ भी, एक भी चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते, सब मिलाना ज़रूरी है। तब इसको हम रोटी का जैसा हमारा आटा गूंदते हैं तो वैसा हम गूंद लेंगे इसको। तो रोटी के आटे से भी हम थोड़ा सॉफ्ट गूंदेंगे और इसको 1-2 घंटे के लिए हम रख देंगे। सबसे पहले हम आटा ही गूंद के, तो फिर उसमें कैसा थोड़ा सा खमीर आ जाएगा तो और भी हमारी रोटी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये भी हमने सब मिला दी। तो ये भी हम पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे इसका। अभी हमने आटा गूंद लिया, तो ऐसा इतना सॉफ्ट आटा रखेंगे हम। तो इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा खाली ऐसा प्लेन करेंगे उसको। और बाद में क्या करेंगे, हम तेल लगा के रख देंगे। ये थोड़ा सा 1 चम्मच तेल और लेंगे हम, ऐसे तेल लगा के इसको रख देंगे। ये हमारा हो गया आटा रेडी। तब ये ऐसा इसके अंदर हम रख देंगे और ऐसी गर्म जगह पे रखेंगे 1-2 घंटे, जब तक हमारा सालन बनता, जब तक हम इसको ढक के गर्म जगह पे रख देंगे। अगर आपके घर में धूप आती होंगी तो आप धूप में पैक बंद करके धूप के अंदर रख दे, या फिर किचन जहाँ हम पकाना करते तो वहां पर ऐसा जहाँ गर्म जगह होंगी तो वहां पर रख दे, तो फिर वो थोड़ा सा फूल जाएंगे हमारे सालना बने तक। और ज़्यादा उसको ऐसा, अगर आपको जल्दी है तो आप आधा घंटा भी भिगा के रखे तो चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा देर भिगाए तो अच्छा रिजल्ट आता, कम भी भिगाए तो चल। अब ये गोश्त के सालने के लिए हमारे को लगेगा गोश्त, ये सालन के लिए हमारे को लगेगा गोश्त। तो गोश्त आप जितना खाते, आपके वहाँ अगर ज़्यादा खाते तो 1/2 किलो ले लो, कम खाते तो 1/4 किलो ले लो, आपके हिसाब से। तो ये हमने 1/4 किलो गोश्त ले लिए। अब ये सबसे, और उसके लिए हमारे को लगेगा अदरक लहसुन। तो अदरक लहसुन ये हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन ले लिए, नमक 1.5 चम्मच, गोश्त हमने साफ करके धो के ले लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोश्त डाल देंगे, गलने के लिए रख देंगे गोश्त। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम बघारने के लिए रखेंगे। और ये नमक लिए थे हमने 1.5 चम्मच, बाद में हम
चखने के बाद फिर अगर कम ज़्यादा लगेगा तो फिर और डालेंगे। तो ये अभी हम 1.5 चम्मच नमक डाल दिया हमने, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी हल्दी डाल देंगे 1/2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर बघारने में थोड़ी हल्दी डालेंगे। तो ये अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1/4 ग्लास पानी डाल देंगे, और उसको अच्छा मिक्स करके इसको गलने के लिए रख देंगे। तो एक सीटी लेने के बाद इसको 5 मिनट कम कर देंगे। अभी गोश्त के ऊपर है, अभी आपका गोश्त कैसा है। अभी हमारा गोश्त तो 1-2 सीटी में ही गल जाता, अभी आपका अगर नहीं गलता जल्दी तो आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। तो ये अभी हम 1 सीटी आने के बाद 5 मिनट कम करके रख देंगे। अभी हमने गोश्त गलने के लिए रख दिए, तो गोश्त गल रहा हमारा, जब तक हम क्या करेंगे हमारे मसाले की तैयारी करेंगे। ये हमारे को लगेंगी 3 प्याज, ऐसे मीडियम साइज़ की, बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी भी नहीं। तो ये ऐसे 3 प्याज ले लेंगे, 1 टमाटर ले लेंगे, और थोड़ा सा सूखा खोपरा ले लेंगे। तो ये प्याज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, काट के ले लेंगे। तो हम मोटी मोटी ऐसी थोड़ी काट के ले लेंगे प्याज को और टमाटर को। तो इसको हम थोड़ी सी लाल कर लेंगे तवे के ऊपर। हमने प्याज और टमाटर काट लिए, तो इसको हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा भून लेंगे गैस के ऊपर। अभी ऐसा इसके अंदर डाल के हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, तो ऐसे ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1-2 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। और इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर ऐसा ढक के रख देंगे, तो फिर नीचे से हमारी थोड़ी लाल हो जाएगी। अब ये थोड़ी हमारी हो गई नीचे से, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा उल्टा कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। अब ये ऊपर नीचे हमने ऐसा थोड़ा उसको हिला लिए, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। तो ऐसा ढक के रखने से क्या होगा, हमारी जल्दी से लाल हो जाएंगे, हमारे को बहुत काली भी नहीं करने की, एकदम थोड़ी थोड़ी खाली ये करने की लाल ज्यादा। ये खोपरे को भी हम क्या करेंगे, तवे के ऊपर थोड़ा सा भून के ले लेंगे, सिर्फ जरा सी ऐसा तेल डाल के उसको भून लेंगे। ये दूसरा फ्राई पैन ले लिया, इसमें हमने सिर्फ ऐसे 1-2 बूंद तेल ऑयल डाले, ज्यादा नहीं डाले। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है ना सूखा खोपरा, तो ये हम थोड़ा सा भून के ले लेंगे। ऐसा भूनने के वजह से क्या होता, जल्दी हमारा पीसे जाता। फिर ये हो गए हमारी प्याज और टमाटर, थोड़े से हमने भून लिए। अब ये गैस बंद कर देंगे, इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा करके पीस लेंगे। पहले हमने खोपरे को पीस के ले लिए सूखा, उसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डाले, ऐसी सूखा पीस के ले लिए, तो अच्छा बारीक हो जाता। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्याज और टमाटर इसके अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको अच्छा बारीक पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे, वैसे थोड़ा सा पानी डालेंगे, एकदम 1/4 ग्लास, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ज़्यादा डाले तो फिर एकदम पतला पतला हो जाएगा, हमारे को सही भूने नहीं जाएंगे। तब इसको हम एकदम बारीक पेस्ट बना देंगे। गोश्त गल गया और ये मसाला भी हमने पीस लिए। अब ये बघारने के लिए हमने तेल गरम के लिए रख दिए इसके अंदर। ये हमने ये इसे 3 चम्मच भर के इसके अंदर तेल डाल दिए, तो अभी तेल गरम के लिए रख दिए। अभी बघारने के लिए हमको क्या लगेगा, सबसे पहले अदरक लहसुन लगेगा, थोड़ा अदरक लहसुन, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये हमने मीट मसाला ले लिया इसके अंदर। आपके पास जो भी मसाला होगा, मीट मसाला, चिकन मसाला या गरम मसाला, तो ये तीनों में से कोई भी एक आप डाल सकते हैं। ये अभी हमारे पास मीट मसाला था, तो हमने 1 से 1.5 चम्मच मीट मसाला ले लिया, और ये थोड़ा पुदीना और थोड़ी कोथमीर। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अदरक लहसुन जो है तो ये हम डाल देंगे। ये हमारा तेल हो गया गरम, तो पहले हम अदरक लहसुन डाल देंगे। ये अदरक लहसुन थोड़ा सा भूनेंगे, और उसके बाद हम मसाला, हमारा जो पीसे हुआ था वो मसाला हम डाल देंगे।
ये तेल छूटने तक हम मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। फिर उसके बाद सब हमारे मसाले हम इसके अंदर मिलाएंगे। ये थोड़ा सा हमारा तेल छूटने लगा भी, इसको हम 3 से 4 मिनट हमने इसको भून लिए थोड़ा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा हल्दी, नमक, मिर्ची सब डाल देंगे। ये आधा चम्मच हम हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच हमने गलाने में डाल दिए थे। ये मिर्ची पाउडर हमने 2 चम्मच ले लिए, आप आपके स्वाद अनुसार ले, कम ज़्यादा आपके वहाँ तीखा फीका कैसा खाते हैं वैसा वो हिसाब से आप मिर्ची ले। और ये धनिया पाउडर भी 2 चम्मच ले लिए हमने, ये धनिया पाउडर भी हम डाल देंगे इसके अंदर। और ये जो हमारा मीट मसाला है तो ये हम अभी नहीं डालेंगे, जब सालन बनने आएगा जब डालेंगे, तब ये इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे भून लेंगे। अब ये मसाले को हम क्या करेंगे, थोड़ी देर मीडियम आंच के ऊपर रखेंगे, मीडियम गैस पे ऐसा झक के थोड़ी देर पकने देंगे, तो फिर हमारे मसाला अच्छे से पक जाएंगे। अभी हमारा मसाला पक गया, तेल छोड़ दिया। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा गोश्त डाल देंगे। अभी गोश्त और सूप हमने दोनों इसके अंदर डाल दिए। अभी आपको पानी आपके हिसाब से कितना चाहिए, कम ज़्यादा, तो वो हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तभी हम गैस को फुल कर देंगे। और अगर आपको खोपरा अगर स्किप करना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ प्याज और टमाटर भी डाल सकते हैं। अभी आपको आलू डालना हो तो आप आलू भी डाल सकते हैं। ये भी हम आलू भी इसके अंदर डाल देते, हमने आलू को गला के ले लिया अलग से, क्योंकि उसके अंदर गलने में बहुत वक्त लग जाता, तो इसके लिए अभी हम आलू को डाल दिए, गला के ले लिया हमने आलू को। अभी हम क्या करेंगे, ये मीट हमारा सालने को जोश आ गया, अभी हम मीट मसाला हमारा डाल देंगे इसके अंदर। आपके पास अगर कसूरी मेथी है तो थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल देंगे, थोड़ा आधा चम्मच लेके हाथ से क्रश करके। ये ऑप्शनल है। और ये कोथमीर पुदीना भी हम डाल देंगे, थोड़ा पकने देंगे इसको। अभी सालन हमारा बनके हो गया रेडी, तब इसको ये सर्व करने के लिए तैयार है। तब इसको हम निकाल देंगे प्याले में। ये हमारा आटा थोड़ा सा फूल गया, आप देख सकते हैं थोड़ा सा खमीर आ गया उसको। ये इसके हम क्या करेंगे, अभी ऐसे छोटे छोटे गोले बना के ले लेंगे इसके, ऐसे छोटे छोटे गोले बना के ले लेंगे। 2-3 ऐसे गोले बना लिए, तो ऐसे गोले बना के ढक के रख देंगे इसको, और एक एक लेंगे। और इसके लिए हमारे को लगेगा थोड़ा पानी, ऐसे ऊपर से लगाने के लिए पानी लगेगा, और तवा हमारे को ऐसा हैंडल वाला लगेगा, क्योंकि फिर ऐसा हमारे को ऐसा पलटा के सेकने के लिए अच्छे से आएगा। तो ऐसा हमने गर्म के लिए रख दिए ये तवा, तो इसको हमने अभी फुल कर दिए, गैस को हम फुल रखेंगे। और ये थोड़ा सा एक सासर में मैदा ले लेंगे, अभी ऐसा मैदा लगा के थोड़ा इसको हम बेल लेंगे, हमारी रोटी जैसी बेलते ना वैसे ही बेलेंगे, बहुत पतला भी नहीं करेंगे और बहुत मोटी भी नहीं रखेंगे, बहुत मोटी भी रखेंगे तो कच्ची कच्ची लगेंगे। मैदा बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे, रोटी के जैसा थोड़ा इसको बेल लिए। ये सब बहुत पतली भी नहीं है, बहुत मोटी भी नहीं, रोटी के जैसे हमने बेल लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, एक तरफ से थोड़ा पानी लगा लेंगे, ताकि हमारी रोटी ऐसे थोड़ा ब्रश से लगा लो या हाथ से लगा लो, जैसा आपको जमेगा वैसा। ये तवा हमारा हो गया गरम, तब ये जो पानी की साइड है तो ये हम इसके ऊपर ऐसा डाल देंगे।
ये थोड़ी देर हम ऐसा होने देंगे इसको, फिर इसको पलट के फिर सेकेंगे तक ये हमारी ऐसी फूल गई, जब तक हमने दूसरी नीचे बेल ली। तब इसको हम क्या करेंगे, अभी ऐसा हैंडल को पकड़ के फिर ऐसा थोड़ा सेक लेंगे उल्टा तवा करके, तो चारों तरफ से हम घुमाएंगे, बहुत एकदम नीचे भी नहीं पकड़ेंगे और एकदम ऊपर भी नहीं पकड़ेंगे करके हमने थोड़ी सेक लिए थे। फिर इसको हम सीधा करके गैस को कम कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे, ये आसानी से ऐसी निकल जाती। और फिर बना के ऐसा एक पतली के अंदर ऐसा रखते जाएंगे। तब ये दूसरी को भी हम क्या करेंगे, अभी और एक बता देते, दूसरी को भी हम क्या करेंगे ऐसा पानी लगा देंगे, गैस को फुल कर देंगे और फिर ये ऐसा इसके ऊपर ऐसा डाल देंगे। अगर आपको ऐसी नहीं जम रही है ऐसा पानी लगा के ऐसा उल्टा करके सेकने के लिए, तो आप डायरेक्ट गैस पे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ जैसे हमारी रोटी हम सेकते हैं ना, तो वैसा भी सेक के बना सकते हैं, तो फिर हमारे को पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसी सेकने का तो फिर पानी नहीं लगाएंगे हम, ऐसी सेकेंगे फिर अपने रोटी की जैसी। अब ये दूसरी रोटी भी हमारी ऐसी थोड़ी थोड़ी फूल गई, इसका मतलब नीचे से हो गई। अब इसको भी हम क्या करेंगे ऐसा उल्टा करके, और अगर आपको नहीं जम रहा ना तो खाली ऐसे निकाल के, अब जैसे हम फुलके बनाते डायरेक्ट गैस के ऊपर हम सेकते, तो वैसा भी आप बना सकते डायरेक्ट गैस के ऊपर सेक के भी, एक तरफ से तवे के ऊपर सेक ले फिर निकाल के डायरेक्ट गैस के ऊपर, जैसा भी ऐसा नहीं जम रहा तो आप ये निकाल दे ऐसा ऐसा निकाल के डायरेक्ट ऐसा गैस के ऊपर भी आप ऐसा करके सेक सकते। ये रोटी सेकते ना वैसा सेक लेने का। ये हो गया हमारे गोश्त का सालन तंदूर की रोटी बनके तैयार। तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनी हमारी, एक हाथ से भी हम ऐसा तोड़ सकते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हमारी तंदूर की रोटी बन गई। अभी तंदूर की रोटी खाने के लिए हमारे को बाहर जाना पड़ता था, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम घर में ही तंदूर की रोटी बना सकते और उसके साथ सलाद। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होंगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते अगली रेसिपी में, अल्लाह हाफिज़।